आदेश 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 अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में 24 तारीख को गंगा दशहरा दिवस है, 25 तारीख को कमला एकादशी है, 26 तारीख को शनि प्रदोष दिवस है, ऐसे 24 तारीख को कॉमनवेल्थ दिवस भी है और 25 तारीख को वर्ल्ड थायरॉइड दिवस है। अधिक मास की ही बात करें तो पुरुषोत्तम को बहुत प्यारा ये पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास की प्रणाली है और अधिक मास की रीत है, उसके उस दिनों में कथा वाचन, कथा पठन, कथा श्रवण सुनना और भगवत कीर्तन, दान इत्यादि का बहुत महत्व होता है। जगत के अंदर ये सालों की गिनती है। इंग्लिश महीने में जब ये आता है तभी लीप ईयर आता है दिन की गिनती के लिए, और उसी गिनती में हर 30 महीने बाद अपने यहां अधिक मास आता है या कुशाई माता सा है। ये प्रणाली है अपनी परंपरा की। अपना जो पंचांग है उस चंद्र आधारित पंचांग है, और चंद्र आधारित पंचांग होने के कारण हमारी जो नक्षत्रों की गिनती है आपको शायद नहीं मालूम होगा, मगर 27 नक्षत्र में चंद्र का भ्रमण यानी एक माह पूर्ण होता है, और एक माह पूर्ण होता है ऐसा 12 माह पूर्ण होते हैं तभी आप देखो तो पूर्ण चक्र को देखो तो एक साल पूरा होता है। ये गिनती की बहुत महत्वता है क्योंकि 27 नक्षत्र के साथ साथ में 12 राशि में भी एक माह में चंद्रमा का भ्रमण हो जाता है। यही गिनती के हिसाब से ये अधिक मास चलता है। अधिक मास में फिर से जाना दो आपको कि कथा श्रवण, कथा पठन और दान का बहुत महत्व होता है। अस्तु, शिवम भवतु। आदेश आदेश आदेश।